नमस्कार, मैं हूँ देवांजलि मोइत्रा। केरल के बाद भारत के उत्तर पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ड्रैगन की इस खतरनाक साजिश से भारत के इन राज्यों में भयंकर तबाही मच सकती है। चीन ने एक अलर्ट जारी किया है जिसके मुताबिक सांगपो नदी में 9020 क्यूमिक पानी छोड़ा गया है, जो कुछ ही दिनों में अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद असम पहुंच जाएगा। चीन की सांगपो नदी को अरुणाचल प्रदेश में सियांग कहा जाता है और असम समेत पूरे देश में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। चीन के इस अलर्ट ने भारत की नींद उड़ा दी है। चीन के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से चीन में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सांगपो नदी का जल स्तर खतरनाक लेवल तक बढ़ गया है। चीन की इस चेतावनी को देखते हुए भारत सरकार भी सावधान हो गई है और केंद्र सरकार ने अरुणाचल और असम दोनों राज्यों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। असम में डिब्रूगढ़ के अफसरों को जिला मुख्यालय नहीं छोड़ने की हिदायत दी गई है। अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि चीन के छोड़े पानी से असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर बढ़ सकता है, जिससे राज्य में भीषण बाढ़ आ सकती है। ऐसे में अधिकारियों को किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। चीन का दावा है कि उसकी सांगपो नदी में पानी का लेवल पिछले 50 साल से सबसे ज्यादा स्तर पर है। इस अलर्ट के बाद असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के निचले इलाकों को खाली कराना शुरू कर दिया है। वहीं आसपास के लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। चीन के अलर्ट को लेकर असम के लोग इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि वो धोखेबाज चीन पर कतई भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कोई नहीं भूल सकता कि कुछ साल पहले चीन ने बिना बताए ब्रह्मपुत्र नदी में पानी छोड़ दिया था, जिसकी वजह से असम को भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ा था। यही नहीं, बाढ़ की वजह से राज्य को करोड़ों का नुकसान भी हुआ था। ऐसे में भले ही चीन ने अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन भारत उस मंशा पर भरोसा नहीं कर सकता। आपको बता दें कि चीन की इन्हीं हरकतों की वजह से भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत चीन हर साल बाढ़ के मौसम यानी 15 मई से 15 अक्टूबर के बीच ब्रह्मपुत्र नदी में पानी छोड़ने की जानकारी भारत के साथ साझा करेगा।